छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू तुम्हारा प्यार जीतेगा रोहित, और तुम्हारे बाबा हारेंगे। नहीं, मेरे बाबा नहीं हारेंगे, वो कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि उनकी बेटी उन्हें हारने देगी नहीं। मुझे अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे जब तुम घर से आना चाहती थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब जब तुम घर वापस जाना चाहती हो तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो भाई, पुलिस की रेड पड़ गई है, भागो। देख क्या कर रहे हो वंडर तुम लोग, अरे भागो भाई, जल्दी पुलिस की रेड पड़ गई है। पुलिस की रेड पर हम क्यों भागे, हमने क्या किया? मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है, जल्द से जल्द भाग जाओ नहीं तो पकड़े जाओगे। पुलिस की रेड पड़ चुकी है, पुलिस की। कोई नहीं भाग सकता यहाँ से। एक तो उल्टा गलत काम करते हो, वो भी उस होटल में जिसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, और आधे से ज्यादा तो नाबालिग लड़के हैं। भोसले चल, दर सरवाना टक गड़े चल। सर आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। प्लीज हमें छोड़ दो। हमने कुछ ए मिस्टर, पुलिस स्टेशन जाके सब मालूम पड़ेगा। चल चल ए टाकरे।
गलत काम करने में शर्म नहीं आती, अब शर्म आ रही है? मुंह छिपा के चल बैठ चुपचाप। क्या चल उसको, आप चुप। तुम आजकल ज्यादा ही पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हो। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावरकर, इसको अंदर डाल, डाल इसको अंदर। इंस्पेक्टर साहब, सर मेरी बात सुनिए। एक मिनट बात। सर, ठीक है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि उस होटल में जो रहा था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, हम तो वहाँ कुछ घंटे बिताने के लिए गए थे। ये लोग इन लोगों के साथ हमें भी यहाँ पे पकड़ के लिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सावरकर, इसको अंदर ले जा इसको। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। कोई फोन नहीं करेगा यहाँ से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कानून जानता हूँ। लॉकअप में बंद करने से पहले मैं अपने लॉयर से बात कर सकता हूँ। कानून सिखाएगा मुझे? कानून सिखाएगा? अभी बता दो तुझे कानून क्या होता है। सावरकर, इसको ले जा अंदर, ले जा इधर अंदर, ले जा इसको, चल। कैसे है रहे हमें करके अपना नाम और घर का नंबर बताओ। तू बोल। मैं अपने घर का नंबर कैसे दूं? अगर पापा को ये सब पता चला तो पता नहीं क्या असर होगा उन पे। अपने घर का नाम और नंबर बता। अरे देख क्या रही है, बोलना। सुनाई नहीं देता क्या? अरे बोल। आरोही शर्मा। हाँ, आरोही शर्मा। नंबर बोल। अरे बोल। आरोही से मिलना चाहते हो ना? हाँ बाबूजी, मेरी आरोही से अभी तक बात नहीं हुई, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ देर। नहीं बेटा, कुछ देर क्या, तुम्हारा घर है, चाहो तब तक बैठो। लेकिन बेटा उससे जरा थोड़ा संभल के बात करना, वो पता नहीं फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगा है। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। गुलाब जामुन? अरे नहीं नहीं, पहले मैं बहुत खा चुका हूँ, थैंक यू। तो ठीक है, फिर आप हमसे बातें कीजिए। श्योर। बाबा, आरोही को मैंने हर जगह ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कहीं पागलपन में वो कहीं घर छोड़कर न चली गई हो। अरे वो औरतों के भेस में नहीं घूम रहे? वो औरतें नहीं है, आदमी है औरतों के भेस में। क्या? अरे हाँ, वो ही लड़का, वो कनाडा वाली मौसी, वो नहीं है, वो लड़का है, वो अर्जुन पुर जिसने मुझे छेड़ा था।
एक मिनट बाबा। हेलो, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर तलपड़े बोल रहा हूँ। आरोही शर्मा यहाँ पुलिस स्टेशन में है, उसके पिता को जल्दी से जल्दी यहाँ भेज दो। किसका फोन था मुन्ना? बांद्रा पुलिस स्टेशन से फोन था दीदी, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में। बाबूजी, आरोही कहाँ बाबूजी? और आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कोई जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ रहा है। अरे बाबूजी, मैं आपको ले चलता। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, यहाँ पास में जाने। अरे बाबूजी, अरे बेटा ऐसे क्या बात है? तो बैठो, आराम से बैठो। अरे श्योर? या जी हाँ, बिल्कुल बैठो। आओ बेटा। प्लीज मुझे एक बार वो अर्जुन से मिले दीजिए। क्या कहा था मैंने तुमसे? चुपचाप वहां जाके बैठी रहो, जब तक तुम्हारे घर से कोई आ नहीं जाता तब तक वहीं बैठी रहो। जाओ, अकेली हो मुंबई में, माँ बाप नहीं है? कसूर तो इन जैसे रईस जादों का है, जो शरीफ लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर इन जगहों पर ले जाते हैं। कितनी मोहब्बत है। चल अपना नाम बता। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? सोनी, चल तू उधर बैठ। जी, मेरा नाम हरि प्रसाद शर्मा है, मैं इस लड़की का पिता। अरे आप तो काफी इज्जतदार इंसान लगते हैं, और आपकी बेटी, और आपकी बेटी, बेटी। बैठिए जी। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या करते हैं आप? जी मैं शिमला के गुरुकुल में प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल की बेटी, मैं समझ सकता हूं आपको यहां आकर अपनी बेटी को इस हाल में देखकर कैसा लग रहा होगा।
कितना दुख हुआ होगा आपको। मेरी भी एक बेटी है, बच्चे जब हाथ से निकल जाते हैं तो माँ बाप को कितना खराब लगता है ये मैं समझ सकता हूँ। छोटे शहरों से लड़कियां इस शहर में आकर कुछ करने कुछ बनने आती हैं, और कुछ रईस जादों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, और माँ बाप की इज्जत खराब करती है सो अलग। या मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप इसे छोड़ दीजिए। देखिए मेरे पास सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप एक इज्जतदार इंसान हैं। कसूर तो इन जैसे रईस जादों का है जो शरीफ लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर इन जगहों पर ले जाते हैं। सावरकर ले आओ उसे। बारह दोनों को अंदर कर दो। सब रुक जाइए इंस्पेक्टर, रुक जाइए इंस्पेक्टर। कितनी मोहब्बत है। तो तुम बखा कर ले गई थी मेरी बच्ची को, इतनी गंदी हरकतों पर उतर आई तुम। तू है तुम्हारी जिंदगी पर। इसकी चिंता मत कीजिए शर्मा जी, इसे तो मैं देख लूंगा। इसको इधर ले आओ। लो यहां साइन करो कि तुम इस लड़की को किडनैप करके होटल में ले गए थे। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है, मैंने किडनैप नहीं किया। साइन कर नहीं तो तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी यहीं रहना होगा। ले साइन कर। साइन कर नहीं तो तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी यहीं रहना होगा। ले साइन कर। ले साइन कर। अर्जुन किसी का रचना पसंद नहीं करेगा। ये मुझे भगा के नहीं लाया। मैं अपनी मर्जी से इसके साथ आई। मैंने सोचा था कि शादी करके घर लौट आएंगे।
अब आप माफ कर देंगे? तुम जानती हो कि भागकर शादी करना कानूनन जुर्म है? जी। मैं जानती हूँ कि मैं बालिक हूँ, और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, इसलिए आप इस अर्जुन के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते, प्लीज पापा प्लीज। अर्जुन बुरा इंसान नहीं है, इसने मुझसे नहीं कहा भागने को, बल्कि पूर्वी समझाए से एक तो ये मेरी इज्जत पहले ही पूरी मिट्टी में मिलाकर रख चुकी है, और अब पापा मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, समझाइए ना पापा को। मैं अर्जुन को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। माफ कीजिएगा शर्मा जी, आप यहां आइए। जो बातें आपकी बेटी कह रही है उस हिसाब से हम इसे भी नहीं छोड़ सकते जब तक कि पूरी तहकीकात नहीं हो जाती। ये हैं आजकल की बेटियां जो माँ बाप की इज्जत से ज्यादा आवारा लड़कों को बचाना चाहती हैं। हरि प्लीज तुम जाओ यहां से। सावरकर इन दोनों को अंदर कर दो। सब रुक जाइए इंस्पेक्टर।